हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में जो हम लोग क्लास टेंथ का इंग्लिश का वर्कशीट नंबर 6 के बारे में करने वाले हैं, जो डेट है 20 जुलाई 2021 का, ये वर्कशीट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इस वर्कशीट में हमें डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिटरमाइनर्स क्या होता है तो आप लोग को पहले बता दें कि इस वर्कशीट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटरमाइनर्स में मच और मैनी के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज क्या करेंगे, यूज सम एंड एनी वेयर डन इन प्रीवियस वर्कशीट। सम और एनी का यूज हम लोग प्रीवियस वर्कशीट में कर लिए थे, आज हम लोग जो है मच और मैनी का पढ़ेंगे। तो जो जनरल रूल होता है, मतलब सामान्य रूल, तो मच का यूज हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जो सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल नाउन भी होगा जिसे हम नहीं गिन सकते। और मैनी का यूज हम लोग प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं, प्लुरल में और जिसे हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे और बोल रखा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हम बताएं मैनी का कहाँ यूज करेंगे, तो प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। तो देखो सी हैज मैनी शूज, देखो यहाँ पे शूज जो है वो क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, वो भी प्लुरल के फॉर्म में, तो इसलिए मैनी का यूज करेंगे, ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं। ये इसका निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैनी जहाँ भी लगेगा। जैसे लॉटरी टिकट्स, तो यहाँ पे देखो एक सिंगुलर काउंटेबल, एक सिंगुलर है, सॉरी यहाँ पे टिकट्स है, प्लुरल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैनी का यूज करेंगे, गिन सकते हैं ना। याद सीधा रखना काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में मैनी का यूज, अनकाउंटेबल नाउन में मच का यूज, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे इट वॉज रेनिंग बट देयर वॉज नॉट मच विंड, मच विंड, अब हवा को तो हम गिन नहीं सकते थे इसलिए मच आएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमें अब क्या है, 15 क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कशीट में, ये हमें करना है, कहाँ पे मच का यूज होगा, कहाँ पे मैनी का यूज होगा। तो देखो आपके लिए हम लिख के इस बार करा रखे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये था इस राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लिख के आपको बता रहे हैं। देखो देयर इज कंसर्न, देखो कंसर्न जो है ये क्या है बता, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अबाउट COVID-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन लॉकडाउन, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन, ये देखो ये लॉकडाउन यहाँ पे आता थोड़ा, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, ठीक है। फिर आई डोंट हैव मच, ठीक है, क्योंकि वर्क जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, मच वर्क ड्यू टू लॉकडाउन, यहाँ पे लॉकडाउन आता, ठीक है, सॉरी टाइप में करने में। देयर वेयर डैश पीपल, तो लोग कितने हो गए एट द शॉपिंग मॉल, हम गिन सकते हैं ना कितने लोग हो गए, तो काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी का यूज होगा। हाउ मच शुगर, क्योंकि शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसे नहीं गिन सकते, तो हाउ मच शुगर डू यू कंज्यूम इन ए डे, ठीक है। दे स्पेंड, अब टाइम जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम नहीं गिन सकते, तो मच टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। रिमा डज नॉट रिसीव, अब ईमेल्स, देखो ये प्लुरल फॉर्म में है और क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, हम इसे गिन सकते, तो इसलिए मैनी मेल्स नाउडेज। वी हैव मैनी यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स मतलब जितने भी चीज़ है हम लोग गिन सकते, इसमें कितने चीज़ होगा, तो काउंटेबल है इसलिए मैनी का यूज होगा। एट द साइंस एग्जीबिशन रमेश हैज विजिटेड मैनी सिटीज, क्योंकि देखो यहाँ पे सिटीज है, हम गिन सकते हैं कितने सर गया होगा इन इंडिया। हाउ मैनी फ्रूट्स, फ्रूट्स है, देखो प्लुरल फॉर्म है और काउंटेबल नाउन भी है, तो हम लोग गिन सकते, ठीक है। देयर आर मैनी पीपल, ठीक है, यहाँ पे पीपल है जो हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो देयर आर मैनी पीपल हु हैव नेवर टच द कंप्यूटर्स इन दियर लाइव्स। रोहन ऑर्डर टू मच फूड, अब फूड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का यूज करेंगे। एंड ही शेयर सम इट विथ हिज फ्रेंड्स। देर इज नॉट मच आइस, अब बर्फ है, तो बर्फ को हम लोग क्या है, नहीं गिन सकते, लेफ्ट इन द आइस बॉक्स, इसलिए ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद था डैश पीपल आर माइग्रेटिंग टू दियर नेटिव प्लेस इन दिस ईयर, तो यहाँ पे क्या है, लोग के बारे में हम पहले बात कर रखे हैं, किसे हम काउंट तो कर सकते हैं, तो मैनी पीपल। वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब सूचना, तो सूचना क्या है,
देख रहे हो कि सिंगुलर फॉर्म में होगा और अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, ही वॉज बोन मैनी प्राइजेस, आपके बहुत सारा प्राइज जीता, गिनती कर सकते हैं ना कितना प्राइज जीता है वो, आप पुलर फॉर्म में भी है इसलिए मैनी का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि देखो आपका ये जो वर्कशीट था मच्छर मैनी का यूज़ से रिलेटेड आप लोग बिल्कुल अच्छे से किए होंगे। आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और चीज़ों को आसानी से कर लेना और अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।